कोरोना से चल रही जंग में पूरा देश एक। आज प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में इस जंग के लिए देश में पर्याप्त संसाधन मौजूद होने का देशवासियों को भरोसा दिलाया। उन्होंने कहा कि कोरोना मरीजों के लिए फिलहाल हमारे देश में 1,00,000 से ज्यादा बेड उपलब्ध। कोरोना के 10,000 मरीज होने पर 1,500-1,600 बेड्स की जरूरत होती है। भारत में आज हम 1,00,000 से अधिक बेड्स की व्यवस्था कर चुके हैं। इतना ही नहीं, 600 से भी अधिक ऐसे अस्पताल हैं जो सिर्फ कोविड के इलाज के लिए काम कर रहे हैं। इतने बड़े स्तर के मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर की तैयारी में भारतीय रेलवे भी अपनी बड़ी भूमिका निभा रहा है। लॉकडाउन के इस दौर में जहां तहां रुकी पड़ी छुक छुक गाड़ी का भी बेहतर इस्तेमाल किया जा रहा है। मेडिकल चैलेंज के इस दौर में दूरदर्शिता दिखाते हुए रेलवे ने अपनी कई ट्रेनों को आइसोलेशन वार्ड में तब्दील किया है। पूर्वोत्तर रेलवे के लखनऊ मंडल ने भी ऐसे 50 कोच को आइसोलेशन वार्ड में बदल दिया है। पूरी भारतीय रेलवे में 5,000 कोचेस को कन्वर्ट किया गया है आइसोलेशन कोचेस में, जिनको कि कोरोना केयर सेंटर के नाम से यूज किया जाएगा, और उसमें से 50 कोचेस हम लोगों के मंडल ने भी परिवर्तित किए हैं। इन रेल कोचेस में वो सारी जरूरी सुविधाएं हैं जिनके तहत किसी पेशेंट को तमाम मेडिकल सपोर्ट दिया जा सके। हर कोच के एक कैबिन को मेडिकल और पैरामेडिकल स्टाफ के लिए डिजाइन किया गया है, तो बाकी में पेशेंट रह सकते हैं। इसका जायजा लिया हमारे संवाददाता ने। ये वो ट्रेन है, लंबी सी ट्रेन है 12 बोगियों की, इसको पूरी तरह से आइसोलेशन वार्ड में कन्वर्ट कर दिया गया है। हम आपको अब अंदर से ले चल के दिखाएंगे कि इसमें क्या क्या खूबी है, किस तरह से ये कोरोना जैसी महामारी से निपटने में ये कारगर साबित होगी। इस वक्त हम अंदर ट्रेन के अंदर आए हैं, आप देख सकते हैं कि ये टॉयलेट है, और इस टॉयलेट में जो वेस्टर्न टॉयलेट था इसको पूरी तरह से अब कन्वर्ट कर दिया गया है एक बाथरूम के तरह से। इसके बाद एक कोरोना से निपटने के लिए, कोरोना से किस तरह से आप सावधान है उसके लिए एक पोस्टर लगाया गया है। अब अंदर आप देखिए, एक मोटी सी पन्नी है, यही से अब आइसोलेशन वार्ड शुरू होता है ट्रेन का। यहाँ पर आप जब अंदर आएंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पे डॉक्टर्स की केबिन बनी है, इसी जगह पे डॉक्टर्स बैठेंगे। अगर अंदर पेशेंट होता है तो डॉक्टरों के लिए ये है कि यहाँ से डॉक्टरों को तुरंत बुलाया जाए। बाकायदा यहाँ पे हर डब्बे, हर सीट के पास एक डस्टबिन रखा गया है। सबसे बड़ी खासियत इसकी ये है कि इस ट्रेन कोच में बने खास आइसोलेशन वार्ड को कहीं भी रिमोट एरिया में ले जाया जा सकता है। जहां हॉस्पिटल में बेड कम होंगे उन शहरों में इसे ले जाया जा सकता है। ये चलता फिरता हॉस्पिटल होगा और ये ऑन डिमांड रहेगी, जहां पर पेशेंट ज्यादा होंगे जिस शहर में, उस शहर में इस ट्रेन को ले जाया जाएगा वहां पे खड़ी होगी और इसमें पेशेंट को रखा जाएगा। लखनऊ से जी मीडिया के लिए तुषार श्रीवास्तव। डिजिटल वर्ल्ड में नई क्रांति, खबरों की दुनिया में धमाका, सबसे पहले सबसे सटीक, बस एक क्लिक खुल जाएगी पूरी दुनिया। www.zhindustan.in। आपका मनपसंद न्यूज चैनल जी हिंदुस्तान अब तमिल और तेलुगु में भी उपलब्ध है। भाषा बदलने के लिए अपने रिमोट पर लैंग्वेज का बटन दबाएं, तमिल या तेलुगु को अपनी पसंदीदा भाषा के तौर पर चुनें और ओके का बटन दबाएं। जी हिंदुस्तान इन सभी प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध है। चैनल देखने में किसी तरह की परेशानी होने पर कृपया अपने केबल ऑपरेटर या डीटीएच सर्विस प्रोवाइडर को फोन करें या व्हाट्सएप नंबर 8588806221 पर शिकायत भेजें।